अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह मियां आपको गमों परेशानियों और मुसीबतों से बचाए। मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। मेरी 89 की आज बर्थडे है माशाल्लाह से। कितने साल की हुई है? 11 साल की हुई है। इसके लिए हमने केक बेक की है और क्रीम लगाई है। कोशिश कर रहे हैं फ्लावर बनाने की। ऊपर फर्स्ट टाइम है हम इसको कर रहे हैं, बेक किया केक, तो स्पंज केक बेक किया और उसके ऊपर क्रीम, व्हिपिंग क्रीम लगाई है। और अभी मेरी बेटी इसके ऊपर फूल बना रही है जैसे हमें आते हैं, तो डेकोरेट कर रहे हैं इसको। सॉरी ऐसे ही होते हैं फ्लावर्स केक के ऊपर। ये मेरी नवासियाँ छोटी जोन सी है ना, ये मुझे बहुत तंग करती हैं। आप मुझे बताएं इनका ना करना, मस्तियाँ करती हैं, फजूल हरकतें। लाइक मेरे बहुत बुरी बात है बच्चे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें सारा, प्लीज प्लीज। मेरा नाम शिज़ा है। ये मेरी बड़ी बहन का केक बन रहा है। 10 साल की थी, 11 साल की हो गई है। उसका नाम है मजीना, मजीना वकास कुरैशी। और वो दर्द बूढ़ी है और वो हो गई है 11 साल की, खुले दांतों वाली खुले दांतों वाली वो है जी। ये साथ में चाहता कि तेरे की वीडियो है ना, तब नाम भी जरा तेरे चाहती है। मम्मा नाम भी लिखोगी क्या? जरा पीछे नाक वाली है। वाय क्यों ना लगाऊं? कहती है ये व्लॉग ना लगाए, तो मेरी बहन ने मेरी असल में बेइज्जती कर दी। वैसे तो ये लोग मुझे, तेरी बहन है ही बदतमीज है, अब मैं क्या कर सकती हूँ इनका। कहती है कि वैसे तो ये मुझे घर में चमचे से मारती है, लेकिन अभी मोबाइल में बेइज्जती कर दी है। कोई बेइज्जती नहीं, इतना अच्छा केक बनाया हम लोगों ने। केक ऐसे ही होते हैं ना, कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए ना। इसके साथ नाम है किनारा किनारा बड़ा अच्छा सा। मम्मा स्प्रिंकल्स भी डाल दो। स्प्रिंकल्स नानो डांटेंगे, खत्म हुए हुए हैं वो बाजार से ले। छोड़ो यार, कोई जरूरत नहीं। ये मेरी बहन, पहली बहुत मीठा है, उसको हम सारे बकरा कर दिए। शज़ा यूसी को पाने के लिए हम लोगों ने केक बनाया। यहाँ से भी खा लिया है, वहाँ से भी खा लिया है। वहाँ पीछे से भी खा लिया मम्मा। मेरे भी दिखता है यहाँ पे जरा सा। शज़ा बात आएगी अपनी हरकतों से? इसको हम सारे बड़ा बकरा कहते हैं। बड़ा बकरा। वेपिंग क्रीम तैयार की है, ये सारे बर्तन अभी पड़े हुए हैं। तो भी है ना बस यहाँ पे भी है ना। चले जी, ये तैयार हो गया। इसको उठा के रखते हैं फ्रिज में ताकि ये सेट हो जाए। बड़ा बकरा जब ये काटेगी तो फिर आपको दिखाएंगे। बड़ा बकरा काटेगी जी। मेरी 89 की जी बर्थडे है, तो मेरी हमारा केक है, मेरी 89 केक काट रही है। हमने वो कैंडल वगैरह नहीं जलाई, कैंडल को ऐसे भी फूंक मारना भी वो जायज़ नहीं है, मकरूह है, तो इसलिए फिर केक ही काटेगी। ठीक है सर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर मजीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। आह मजीना, तू कुछ हो रहा है, तू कुछ हो रहा है, तू नन्ना नन्ना
और इसका बंद करके अपनी माँ को खिला रही है जी। अभी इंसुलिन नहीं तो हो बेलन दें दे या प्यारे बहन भाइयों, सालगिरह तो हमने मना ली है, हालांकि हमारे इस्लाम में इसको अच्छा नहीं समझा जाता और हमारे किसी सहाबी किसी ने भी सालगिरह नहीं मनाई, लेकिन हम लोगों ने तो दूसरों की चीज़ें अपनाई हुई हैं। फिर हम कहते हैं बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है, क्या करें, बच्चे भी फिर माइंड करते हैं, आपको पता है कि फलां की सालगिरह हुई हमारी नहीं हुई तो करना पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें कैसी बच्चों की खुशी, जिसमें बच्चे खुश हों। तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो रात हो गई है जी, दिन मसरूफ़ ही गुजरा है, कुछ सो के कुछ इधर उधर के काम बेटी मेरी बेचारी करती रही है। छोटी बहू भी आज अम्मी की तरफ गई है ईद मिलने, उनके पास एक दो चार दिन रहेगी, तो नवासियाँ और मेरी बेटियाँ ये भी एक दो दिन रह के चली जाएंगी वापस, फिर मैं होंगी और मेरी तन्हाई होगी और आपसे बातें करूँगी इंशाल्लाह। और क्या बोलूँ, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और दोस्तों में शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब करने वाले सब्सक्राइब भी किया करें, नए आने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल पर। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और हर दिन खुशी का ही होना चाहिए, गमों परेशानियों से अल्लाह ही हमें बचाए, मुसीबतों बीमारियों बेरोज़गारी इन सब परेशानियों से अल्लाह ही हमें बचाए, हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इस तमाम दुनिया के लोगों को जो भी जहाँ रहते हैं। ईद का भी दिन 3 दिन गुजर गए हैं, ईद का इंतज़ार होता है, फलां दिन को ईद है, ईद आने वाली है, लोग तैयारियां करते हैं सब, बकरा ईद पे कोई जानवरों की लेने के लिए तैयारियां कर रहा होता है, कोई लिबास की कोई क्या, बच्चे अपनी चूड़ियां बच्चियां लेती हैं, सारा कुछ ऐसी तैयारियाँ होती हैं, यानी कि मसरूफ़ दिन गुजरते हैं और ईद आती है पता ही नहीं चलता, आज 3रा दिन भी गुज़र चुका है। तो हर साल ऐसा होता है, ज़िंदगी ऐसी गुज़रती जाएगी, किसी की ख़त्म हो जाती है, किसी की नई शुरू हो जाती है, कोई नया आ जाता है, कोई चले जाते हैं, ये इस दुनिया का दस्तूर है। और अल्लाह मियाँ जहाँ भी रखे, अल्लाह मियाँ अपने हिस्सों मान में रखे हम सबको और परेशानियों मुसीबतों से बचाए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें,
अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई बात के साथ इंशाल्लाह।